जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम आज के इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल के अंदर आपने सही देखा कि BSNL जो है और एक नया लोकेशन के अंदर उनके 4G सर्विस को अभी यहाँ पर लाइव कर दिया है, यहाँ पर लॉन्च कर दिया। तो कौन सा ऐसा सिटी है, कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पर अभी BSNL ने उनका 4G सर्विस को नया लॉन्च किया है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप एक BSNL के ग्राहक अब भी BSNL 4G का वेट कर रहे हैं, आप भी जानना चाहते हैं कौन सा नया लोकेशन के अंदर अभी BSNL 4G BSNL ने लॉन्च किया है और ओवर इंडिया के अंदर आपको कब तक देखने को मिलेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो फिर चलिए मैडम, इसके आज के इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले काफ़ी सारे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था कि BSNL का 4G के लिए BSNL अभी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है और इसके लिए टाटा ग्रुप का TCS कंपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है BSNL को, और BSNL भी काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर BSNL को गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। उनको जो रिवेबल पैकेज अभी मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, वो रेवेन्यू अभी BSNL टाटा ग्रुप का TCS कंपनी को दे रहा है और टाटा ग्रुप का TCS कंपनी अभी ज़बरदस्त तरीके से टावर का भी अपग्रेड कर रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जगह के अंदर, जिसके बारे में हमारे पास जो भी यहाँ पर अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना के अपडेट यहाँ पर बता देता हूँ कि इस लोकेशन के अंदर BSNL का 4G इतना टावर यहाँ पर लगाया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आज हमारे पास फिर से BSNL तरफ से अपडेट आ गया कि अभी BSNL का 4G अभी जो यहाँ पर हरियाणा सर्कल के अंदर अभी यहाँ पर लॉन्च हो गया है। दोस्तों, ऑल ओवर हरियाणा के अंदर यहाँ पर लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा सर्कल के अंदर भी अभी आपको BSNL का 4G सर्विस मिल जाएंगे। यहाँ पर दो लोकेशन के अंदर अभी यहाँ पर BSNL का 4G सर्विस BSNL ने लॉन्च किया है, लाइव किया है। एक लोकेशन है यहाँ पर हरियाणा के अंदर पानीपत लोकेशन, यहाँ पर लॉन्च किया है, और एक लोकेशन है यहाँ पर करनल। ये दो लोकेशन के अंदर अभी यहाँ पर BSNL का 4G सर्विस BSNL लाइव कर दिया, अभी आपको यहाँ पर सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप हरियाणा सर्कल के अंदर यहाँ पर पानीपत के आसपास भी रहते हैं तो भी आपको सर्विस मिल जाएंगे, और अगर आप कर्नल के आसपास भी रहते हैं तो भी आपको सर्विस यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि BSNL का अभी यहाँ पर टावर जो काफ़ी पावरफुल टावर है और आपको BSNL का 4G सर्विस के साथ साथ आपको यहाँ पर आपको अच्छे खासे स्पीड भी मिलेंगे, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम जो पहले होता था वो भी आपको भी नहीं मिलेंगे। अभी BSNL के साथ अभी टाटा ग्रुप का TCS कंपनी काम कर रहा है तो आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस जो भी आपको BSNL 4G और 5G के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को पता है कि BSNL का 5G भी अभी 2024 साल के अंदर लॉन्च होने वाला है, तो आपको 4G टावर से 4G और 5G दोनों सर्विस आपको बहुत ही जल्दी अभी मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल ओवर हरियाणा के अंदर अभी काम चालू हो गया है, अभी ये दो लोकेशन के अंदर अभी यहाँ पर लॉन्च हुआ, लाइव कर दिया गया सर्विस। तो अगर आप ये दो लोकेशन से अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताएं आपको BSNL 4G के अंदर कितना आपको सर्विस लाइव अभी स्पीड मिल रहा है। आप ओकला एप्लीकेशन के वजह से स्पीड टेस्ट करके आप मुझे बताना जरूर वीडियो के कमेंट से कमेंट करके। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर अभी आपको बताया कि अभी काम जोर से कैसे चल रहा है। BSNL ने कहा था कि BSNL का 4G मैक्सिमम यहाँ पर 4G सर्विस दिसंबर के एंड तक यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग और थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, जहाँ पर भी लॉन्च नहीं हुआ है वहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि BSNL की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट टारगेट यहाँ पर है जून 2024। ठीक है, तो आपको उसका पहले तक ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन दिसंबर तक आपको मैक्सिमम जगह के अंदर जो भी यहाँ पर अच्छे यहाँ पर बड़े बड़े सिटी है जहाँ पर BSNL का कस्टमर ज़्यादा है वहाँ पर सबसे पहले 4G आएगा, उसके बाद धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर आप यहाँ पर एक ऐसे लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया के अंदर BSNL 4G आ गया है, तो आप मुझे अपना एरिया का नाम और स्टेट का नाम वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताना कि आपको कितना स्पीड मिल रहा है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको किस तरीके से BSNL 4G के अंदर सर्विस मिल रहा है, तो मैं और भी लोगों को यहाँ पर बता पाऊँगा। फिलहाल हमारे पास ये अपडेट था, मैंने आपको बता दिया कि अभी हरियाणा सर्कल के अंदर भी BSNL 4G अभी यहाँ पर लाइव हो चुका है, आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और BSNL 4G से इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर BSNL का 3G प्लान के अंदर ही आपका प्लान काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास BSNL का 4G सिम कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अभी तक आपने BSNL का सिम कार्ड यहाँ पर आप 3G यूज़ करते हैं पुराने वाले, तो आपका 4G काम नहीं करेगा। तो आप जल्दी से जल्दी आपका किसी नज़दीक का BSNL का रिटेलर के पास या फिर BSNL का ऑफिस के अंदर जाके यहाँ पर आप फ्री में सिम कार्ड ले सकते हैं। अभी BSNL के अंदर फ्री ऑफर चल रहा है, तो आप फ्री में 4G सिम कार्ड यहाँ पर अपडेट करके अभी ले सकते हैं। आपका फ्री का सिम कार्ड अभी अपडेट कर लीजिए, तो आपको 4G जैसे आपके एरिया के अंदर आ जाएंगे तो आपको 4G सर्विस मिल जाएगी। अगर आपके पास 4G सिम कार्ड नहीं होगा तो आपको 4G सर्विस नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं हमारे एरिया के अंदर तो लॉन्च हो गया लेकिन अभी तक हमको 4G सर्विस नहीं मिल रहा है, तो आपने सिम कार्ड चेंज नहीं कराया होगा, तो आप सिम कार्ड यहाँ पर 4G नया वाला यहाँ पर ले लीजिए, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा और आपका 4G एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से BSNL 4G को यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं और आप लाइव मजा भी ले सकते हैं।
तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट मैंने आपको बता दिया। आने वाले दिन के अंदर अभी नया स्टेट के बारे में, नया लोकेशन के बारे में, नया साइकिल के बारे में जो भी अपडेट आएगा हमारे चैनल के अंदर आपको सबसे पहले अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल में प्रेस करके रख दो, इस तरीके का टेलीकॉम का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए डेली बेसिस पे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड फैमिली मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताओ, और आपके एरिया के अंदर BSNL 4G आया है कि नहीं आप मुझे वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताओ। अगर लॉन्च हो गया है तो भी बताना, और अगर नहीं लॉन्च हुआ तो अपना एरिया और स्टेट यहाँ पर जरूर मेंशन करना वीडियो के कमेंट से कमेंट करके। तो आपके एरिया के बारे में कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर अपडेट यहाँ पर बता दूंगा और आपका कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा। तो आप कमेंट यहाँ पर जरूर करना, और फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।